संदीप फाउंडेशन के लिए ही नहीं, सिर्फ मधुबनी जिला के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त बिहार के लिए एक गौरव का विषय है। बिहार का कि श्रीराम प्रथम पॉलिटेक्निक है जिसका नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता मिली है। बिहार के प्रथम निजी विश्वविद्यालय संदीप यूनिवर्सिटी परिसर में संचालित श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज को मिली NBA की मान्यता। मधुबनी जिले के सिजौल गांव में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहा संदीप फाउंडेशन द्वारा संचालित श्रीराम पॉलिटेक्निक के गुणात्मक क्षमता को देखते हुए NBA ने मान्यता प्राप्त प्रदान की है। संदीप यूनिवर्सिटी कैंपस सिजौल में मीडिया को जानकारी देते हुए संदीप फाउंडेशन के संस्थापक सह अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा ने कहा कि मिथिला के साथ ही बिहार के लिए यह गौरव की बात है। NBA एक्सपर्ट टीम द्वारा जांच के बाद बिहार के पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीराम पॉलिटेक्निक को NBA की मान्यता दी गई है। चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने कहा कि तेजी से बदलते डिजिटल युग में मिथिला के शिक्षा की परिवर्तनकारी यात्रा में श्रीराम पॉलिटेक्निक प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर छात्रों की कार्यकुशलता को बढ़ाने का काम कर रहा है। प्रौद्योगिकी भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने के उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रीराम पॉलिटेक्निक मिथिला के साथ ही संपूर्ण बिहार के छात्रों को प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान कर रोजगार परक बनाने में अहम भूमिका भी निभा रहा है। उन्होंने इस सफलता के लिए कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर चंद्र प्रकाश के साथ संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को सामूहिक रूप से शुभकामनाएं एवं बधाई भी दिया है। चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने आगे कहा, हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि श्रीराम पॉलिटेक्निक संदीप फाउंडेशन द्वारा संदीप फाउंडेशन के अंदर में जो श्रीराम पॉलिटेक्निक है बिहार का प्रथम पॉलिटेक्निक है जिसका नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता मिली है। ये NBA भारत सरकार की एक उपक्रम है और जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जैसे पॉलिटेक्निक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इनका जो स्टैंडर्ड है उसको इवैल्यूएट करती है NBA। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज अगर खोलना चाहते हैं तो उसको AICTE की मान्यता लगती है और फिर उनके जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से आपको बनाना पड़ता है कॉलेज। लेकिन कॉलेज बनने के बाद कॉलेज का स्टैंडर्ड कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का लैब कैसा है, कॉलेज के फैकल्टीज कैसे हैं, फैकल्टीज के स्टैंडर्ड कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट कैसा है, एलुमनीज और क्वालिटी ऑफ एलुमनीज कैसी है और ओवरऑल पॉलिटेक्निक के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरे सोसाइटी में परसेप्शन कैसा है, उसको जांच करने के लिए जो बोर्ड को बनाया गया है वो है NBA। और आप सबों को मैं बताना चाहूँगा यह सिर्फ संदीप फाउंडेशन के लिए ही नहीं, सिर्फ मधुबनी जिला के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त बिहार के लिए एक गौरव का विषय है कि श्रीराम पॉलिटेक्निक सिजौल बिहार का प्रथम प्राइवेट पॉलिटेक्निक है जिसको NBA की मान्यता मिली है। आपको हम बता दें हमारे पॉलिटेक्निक में अपार्ट फ्रॉम करिकुलम हम लोगों ने बहुत तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। करिकुलम में और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट में बहुत सारे गैप्स हैं, उस गैप्स को रिजॉल्व करने के लिए, उस गैप को फिलिंग करने के लिए हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूएटेड प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एनहेंसमेंट सर्टिफिकेट इसको हम लोगों ने उसके अंदर में इंक्लूड किया है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद
हम लोग बच्चों को प्लेसमेंट में हम लोग हेल्प करते हैं और क्वालिटी प्लेसमेंट देते हैं, जिसके जिसके वजह से हमारे बच्चे 100% बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। श्रीराम पॉलिटेक्निक के अलावा हमारे क्या हम लोग कैंपस में संदीप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, MBA, BBA, BCA, MCA, BTech इन कंप्यूटर साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BEd, DLed, इन तमाम तरह के कोर्सेज संदीप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होता है और सभी कोर्सेज में हम लोग 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। जैसा हम लोगों को MBA मिला है, वैसा ही हम लोगों ने संदीप यूनिवर्सिटी का NAC के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और प्रपोजल एक्सेप्टेड भी हो गया है। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी को NAC का भी अप्रूवल मिलेगा और हम चाहते हैं आप अपने व्यूअर्स तक ये हमारे संदेश को पहुंचाएं, जो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी एजुकेशन एट एफोर्डेबल फी, ये हम लोगों का हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और एजुकेशन पर लोग काफ़ी इम्फेसिस करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे, और क्वालिटी एजुकेशन ही बिहार का भविष्य बदल सकता है। और हम लोग कहते हैं, हमेशा कहते आए, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। थैंक यू वेरी।